हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रिंस प्रभुदत्त त्रिपाठी। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। टखने में जो हमारे को दर्द होता है, हमारे एंकल में, जिसे हम एंकल बोलते हैं, वो एंकल में जो हमें दर्द होता है, तो हम क्या कसरत करें कि वो एंकल दर्द चला जाए या एंकल दर्द में थोड़ा हमें आराम मिले। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और आपके जो भी कंसर्न या प्रॉब्लम्स हैं हमसे शेयर करें, हम उसके आंसर जरूर देंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं। आप अपने पैर पे जिस तरीके भी आपको दर्द हो रहा है, सबसे पहले आप हल्के से धीरे धीरे देखिएगा, आपको उस पैर पे आपको हल्के से रब करना है, हल्के हल्के से रब करना है, ढीला छोड़ देना है और रब करना है। थोड़ा अच्छे से रब करें, ढीला छोड़ने के बाद चारों तरफ रब करें। रब करने के बाद आप अपनी कसरतें चालू कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं सभी को ये कहता हूं कि जब भी आप कोई कसरत करें तो वार्म अप जरूर करें। तो अगर आप एंकल पेन में वार्म अप नहीं कर पा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है चलने में, इसमें तो उस पर गर्म पानी का सेक करें, उसके बाद आप अपनी कसरतें चालू करें, ठीक है। और आपको सीवियर पेन है तो आप बर्फ का सेक करें। सीवियर पेन में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो, पेन काफी ज्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप आइसिंग करें, बर्फ का सेक करें। सेक करने का तरीका है, बर्फ उस पर घुमाएं सर्कुलर पे इस तरीके से, चारों एंकल के चारों तरफ जहां आपको दर्द है, और थोड़ा जलन मचेगी, उस जलन को सहन करें। जब तक आपको सुन्नपन महसूस नहीं होने लगता तब तक आप बर्फ को घुमाते रहें, ठीक है। इससे आपको काफी दर्द में आराम मिलेगा। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूरी होता है, इसलिए आप थोड़ा उस एरिया को गर्म कर सकते हैं या गर्म पानी के सेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं हमारा एंकल पेन में, टखने के दर्द में होने वाली कसरतें। रब के बाद आपको दो मूवमेंट बैठ के करने हैं। पैर को नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, पूरा नीचे ऊपर पूरा। ध्यान दीजिए कि आपका जो गुड़गा है, घुटना है, वो पूरा सीधा रहे, नी जिसे हम बोलते हैं वो सीधा रहे, और आपको ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाना है। ये मूवमेंट अगर आप करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये मूवमेंट आप थेरा बैंड के साथ करें, इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, नीचे लेके जाना है। ऐसा रिपीटेशन आप 20 टाइम्स करें, ऊपर नीचे वाला मूवमेंट। ये जो कसरत है ये आपको डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन कहलाती है, नीचे और ऊपर लेके जाना वाला टखने को। ये आप 20 बार करें, ठीक है। 20 बार की रिपीटेशन के बाद थोड़ा रेस्ट करें, ठीक है। ये कसरत करने के बाद इस तरीके से आप पैर में ऊपर नीचे करने के बाद आप ये वाली कसरत जरूर करें जो आपको बताना चाहूंगा। तकिया अपने दोनों पैरों के घुटनों के बीच में फंसाएं, दबाएं और पैरों को ऊपर नीचे करें, दबाएं इसको जितना आप दबा सकते हैं, प्रेस करें दोनों घुटनों से, और टांगों को पंजों को ऊपर नीचे करें। 30 टाइम्स ऐसा करें, इसको बराबर दबा के रखें, ढीला ना छोड़ें। 30 टाइम्स इस तरीके से आप रिपीटेशन करें। उसके बाद वापस आप 20 टाइम्स अपने पंजे को चलाएं, वापस पैर में फंसा लें थेरा बैंड को, पंजा चलाएं। ओके, फिर वापस 30 टाइम्स आपको ये पैर के बीच में रखना है, दबाना है और पंजे ऊपर नीचे करने हैं। ये दोनों एक्सरसाइज आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करके 3 सेट में करनी है, वो 20 बार पैर ऊपर नीचे करें और ये 30 टाइम्स पैर ऊपर नीचे करें, ओके, तकिए को दबा के। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको फ्रिक्वेंटली चेंज होके करनी है, लगातार एक ही एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। इससे आपको काफी आराम मिलेगा आपके एंकल पेन में। अब हम देखेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं और एक्सरसाइज, जिससे हमारे एंकल के पेन के अंदर काफी आराम मिले। तीसरी एक्सरसाइज हम देखेंगे थेरा बैंड एक्सरसाइज। वापस हमें पैरों को इधर और ऐसे अंदर की तरफ घुमाना है, देखिएगा अंदर की तरफ, अंदर अंदर अंदर, वापस बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये कसरत आपको 20 रिपीटेशन करने हैं, और वापस 20 रिपीटेशन के बाद रेस्ट करना है, फिर 20 करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर 20 करना है, ओके। 20 20 के आपको 3 सेट्स करने हैं।
ठीक है। तीसरी कसरत हमने देखी, अब हम चौथी कसरत देखने जा रहे हैं जो हमें काफी हद तक एंकल के पेन में आराम दिलाएगी, वो है प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस, मतलब हमारे पेड़ से एबीसीडी बनाना। तो हम देखेंगे कि पेड़ का हमें ए बनाना है, ए ए, फिर बी बी, फिर सी सी, फिर डी डी, फिर ई ई। तो इस तरीके से हमें एबीसीडी बनाना है और जेड तक लेके जाना है एक ही पेड़ पे। फिर हम दूसरे पेड़ से भी यही एबीसीडी बनाएंगे और जेड तक लेके जाएंगे, ए बी सी डी, ओके। तो इस तरीके से ए से जेड तक हम ये कसरत करके लेके जाएंगे। और अब हम देखने वाले हैं लास्ट कसरत जो हमें घर पे करनी है और ये बहुत जरूरी है, ये सबसे लास्ट में करें, और इसको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है। खड़े हो जाएं और टेबल के पास में सपोर्ट ले लें और एक पेड़ पे खड़े होके अपने आप को बैलेंस करें। जितने सेकंड आप बैलेंस कर पाते हैं बैलेंस करें, मैं आपको बोलूंगा 30 से 60 सेकंड आप ट्राई करें, ओके। फिर नीचे रखिए और दूसरे पेड़ पे खड़े होके बैलेंस कीजिए, ओके। ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज आपको बैलेंस करने में, चलने में, बराबर बैलेंस करने में, आप कोऑर्डिनेशन सुधारने में मदद करेगी। एंकल पेन की वजह से अगर आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है तो ये कसरतें आपका कोऑर्डिनेशन भी सुधारेगी। ये लास्ट वाली जो कसरत आपको सिखाई, अगर आप नहीं कर पाते हैं एंकल पेन की वजह से तो मत करें। ये दूसरी कसरतें जो मैंने आपको सिखाई, 5 से 6 कसरतें, वो कंटिन्यूसली करते रहे, इससे आपको काफी हद तक दर्द में कम महसूस होगा। इन एक्सरसाइज से कंक्लूजन ये निकलेगा कि आपके चलने में, आपके मोबिलाइजेशन में, चलने फिरने में आपकी जो तकलीफ हो रही है वो काफी कम हो जाएगी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में सब इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।